आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताने हैं। अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ पे अपने पास लिमिट लगा हुआ है, फिर सिग्मा लगा हुआ है, फिर अपने पास ये कुछ प्रॉपर्टी, ये कुछ अपने पास एक्सप्रेशन दे रखा है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ये अपने पास सिग्मा यानी अपने पास सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन ना लिमिट का क्वेश्चन है ना सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, ये लिमिट एज अ सम का इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सिलेबस से डिलीटेड है फिर भी 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जो मैथ्स में खासकर मैथ्स की बात हम कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप इनके पास कोई चैप्टर डिलीटेड है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पूरा डिलीटेड है फिर भी उससे क्वेश्चंस आए हैं 2024 में। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ से अपने समझेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू अपने पास क्या है इन्फिनिटी, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास लिमिट को थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते, तो लिमिट अपने पास क्या है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये अपने बराबर रहेंगे तो सिग्मा, और ये के इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, वन से लेकर के एन तक, और ये दे रखा अपन के पास बताइए, तो यहाँ से आ गया अपन के पास और एन स्क्वायर प्लस टाइम्स के स्क्वायर इंटू अपने दे रखा है एन स्क्वायर प्लस टाइम्स थ्री के स्क्वायर, है ना, और इंटू अपने फिर आ जाएंगे एन क्यू के बराबर। सीधी सी बात है अपने के पास वन अपॉन एन अपने किस में कन्वर्ट होता है, तो ये डी एक्स में कन्वर्ट होता है, और हमारे पास के अपॉन एन अपने किस में कन्वर्ट होता है, तो एक्स में कन्वर्ट होता है। चलो अपने के पास इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और ये सिग्मा अपने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ से आ गया अपने पास, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं एन क्यू अपने पास यहाँ से आ गया डिनोमिनेटर में अपने पास, जैसे ही हम एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बताओ तो क्या करें, एन स्क्वायर एक में से कॉमन लो, अबे ये सीधा लाइन हो जाए यार। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो किस तरह आ जाएंगे वन प्लस टाइम्स के अपॉन में एन का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ ना, और ये आ गया अपने पास ये पूरा, यहाँ से अपने पास एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे वन प्लस टाइम्स थ्री और के अपॉन में एन का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, या क्या बनेगा इसके बराबर, जैसे एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये अपने क्या करा देंगे एन की पावर फोर के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, और यह क्या बनेगा इसके बराबर सिग्मा के इक्वल टू अपने कहाँ से कहाँ तक, वन से लेकर के एन तक, और ये देखा अपने कहा लिमिट एन टेंडिंग टू अपने यहाँ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब अपने जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये अपने पास गया, तो अपने आ गया वन अपॉन एन के बराबर, वन अपॉन एन किस में कन्वर्ट होता है, तो डी एक्स में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ से अपने बताइए काम खत्म। ये अपने किस लिमिट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, वन अपॉन एक्स को डी एक्स में कन्वर्ट कर लिए, यहाँ से अपने किस बराबर है के अपॉन एन को अपने किस में कन्वर्ट कीजिए एक्स में, तो ये आ गया वन प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, इंटू अपने के पास के अपॉन एन किस में कन्वर्ट होगा तो एक्स में, तो वन प्लस टाइम्स थ्री एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, ये आ गया अपने इसके बराबर वन प्लस टाइम्स थ्री के थ्री एक्स स्क्वायर के बराबर। अब अपने के पास लिमिट के बारे में बात कीजिए। ठीक है, तो अब अपने के पास जैसे ही अपने के पास क्या पूछे कि एक्स अपने के पास कहाँ से कहाँ तक, तो ये आ गया अपने के अपॉन एन। ठीक है, जैसे ही अपने के इक्वल टू एन अपने के इन्फिनिटी डालेंगे, एक्स कहाँ जाएगा जीरो की तरफ, एन इक्वल टू वन डालेंगे, यहाँ से अपने के पास एन की जगह अपने के पास क्या डालें के इक्वल टू वन से लेकर कहाँ तक है एन तक है, तो के इक्वल टू अपने के पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ से अपने के पास एन अपॉन एन, अब अपने के पास लिमिट कहाँ जाएगा तो वन की तरफ। ठीक है, तो अब अपने के पास लिमिट के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अपने के पास ये लिमिट निकालने में गड़बड़ करते हैं, तो ये हमारे पास एक नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, यानी अपने के पास था ये क्वेश्चन, अब अपने के पास इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, इसको अपने के पास क्या कर ले अब सॉल्व करने और कुछ नहीं करने, यहाँ से अपने के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन जीरो, और ये रहा अपने के पास वन के बराबर, थ्री एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो अपने के पास टू एक्स स्क्वायर आएगा, थ्री कॉमन ले ले क्या, ये आ गया अपने के पास डी एक्स के बराबर, और होल अपन अपने के आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास इसको लिख दो वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इंटू अपने के आ जाएंगे, तो हम एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वन अपॉन थ्री और प्लस टाइम्स अपने के पास एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ ना, थ्री कॉमन लिए इस थ्री को हम बाहर एडजस्ट कर रहे हैं बराबर, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास बताइए, अब तो कर सकते हो यार पूरे बहुत कैलकुलेशन, तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, अब क्या तो करें क्या, तो इसका अपने पास डिफरेंस ऊपर बनाते हैं, तो वन अपॉन थ्री यहाँ से अपने पास इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, वन प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास वन अपॉन थ्री और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, यहाँ तो इसको अपने पास ऐसे ब्रैकेट में डाल दूँ, और यहाँ के अपने पास बराबर प्लस टाइम्स, और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे तो वन प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये आगे अपने किस बराबर तो वन अपॉन थ्री और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, लिमिट अपने का जीरो से लेकर के वन तक। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने का क्या लिखा हुआ, ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, वन में से अपने का वन बाई थ्री जाएगा तो अपने का क्या हो जाएगा, वन में से अपने का वन बाई थ्री माइनस कर लीजिए, तो ये आगे अपने किस बराबर तो टू बाई थ्री के बराबर, है ना, ये आ जाएंगे ना अपने पास टू बाई थ्री के बराबर, यानी टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई किए तो टू बाई थ्री से हम डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो थ्री बाई टू से हम डिवाइड कर दिए और कुछ नहीं,
ये आपने कहा क्यों किए, क्योंकि हमारे पास कंपनसेट भी तो करना है, हमारी घर की खेती नहीं थोड़ी है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, और इन टू आपने किस आ जाएंगे तो डी एक्स के बराबर एक्स रेस में इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो ये थ्री और ये थ्री तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, यानी वन अपॉन टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के वन तक। अब स्प्लिट कर देते, जैसे स्प्लिट करेंगे तो ये आ गया अपने के पास, बताओ तो ये अपने के पास गया, तो यहाँ से आ गया वन अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स वन अपॉन थ्री के बराबर, हाँ है ना, और ये रहा डी एक्स के बराबर, माइनस टाइम्स अपने के पास इंटीग्रेशन वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये रहा अपने के पास बराबर डी एक्स के बराबर, यहाँ पे भी वन अपॉन टू से हम मल्टीप्लाई करते तो ये जीरो और ये वन, क्योंकि ये वन अपॉन टू जो है पूरे के मल्टीपल में, ये जो टू है ना ये पूरे के अपने के पास डिवीजन में, ये कहिए या मल्टीपल में कहिए, तो ये आ गया वन अपॉन टू, यहाँ से अपने कैसे बताइए तो इंटू अपने कैसे आ जाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर, ए की जगह अपने कैसे वन अपॉन रूट थ्री के बराबर आया ना, और वन अपॉन में अपने कैसे ए के बराबर तो वन अपॉन रूट थ्री यहाँ पर भी होगा बराबर। अब अपने कैसे लिमिट लगा दीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक तो जीरो से लेकर के वन तक, माइनस टाइम से आ गया वन अपॉन टू और ये अपने कैसे आ जाएंगे टेन इनवर्स एक्स के बराबर आया ना, लिमिट अपने कैसे कहाँ से कहाँ तक तो जीरो से लेकर के वन तक। अब अपने के पास कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, जैसे अपने पास वैल्यू डालेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे तो ये अगर अपने पास रूट थ्री ऊपर जाएगा रूट थ्री अपॉन टू के बराबर इंटू अपर लिमिट डालेंगे तो किस तरह आ जाएंगे टेन इनवर्स रूट थ्री, क्योंकि अपने पास वन अपॉन रूट थ्री ये आ गया रूट थ्री, यानी कि अपने पास आ जाएंगे पाई अपॉन थ्री के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स और ये आ गया अपने पास वन अपॉन टू के बराबर और इंटू अपने पास बताइए तो ये आ गया अपने पास पाई अपॉन फोर के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन में अपने पास जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अपने पास पाई अपॉन में थ्री कॉमन आ जाएगा, पाई अपॉन में अपने के पास थ्री नहीं पाई अपॉन टू कॉमन आ जाएगा, तो अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये अगर अपने पास रूट थ्री और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे रूट थ्री के बराबर, नहीं रूट थ्री अपॉन में किस तरह आ जाएंगे थ्री के बराबर और माइनस टाइम्स वन अपॉन फोर के बराबर, यही आ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब करेक है तो करेक है, यहाँ से अपने पास एलसीएम वलसीएम लेने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। यहाँ से अगर किस तरह तो पाई अपॉन में बताइए तो पाई अपॉन में आ गया अपने के पास टू के बराबर है ना, यहाँ से अपने कैसे क्या कीजिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अपने कैसे करवा देंगे तो एलसीएम आ गया अपने के पास 12 के बराबर, अगर 12 के बराबर तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 का 12 तो ये आ गया अपने के पास 4 रूट 3 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने कैसे करवा देंगे तो माइनस टाइम्स अपने के पास 4 की 12 माइनस टाइम्स 3 के बराबर, यही हमारे पास क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ये देख लीजिए कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या, ये हमारे पास कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, रूट 3 या गया 4 रूट 3 और या गया रूट 3 के बराबर, ना कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा, इसको अपने पास डिनोमिनेटर में ले जाइए और कोई ऑप्शन ही नहीं, रेशनलाइज कर सकते हैं क्या, यहाँ से अगर अपने पास पाई अपॉन में 12 दूनी 24 के बराबर, जैसे हम रेशनलाइज करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे तो 4 रूट 3 माइनस टाइम्स 3 या अगर अपने पास इसके बराबर, इसको हम मल्टीप्लाई करते किससे तो 4 रूट 3 प्लस टाइम्स 3 से और डिवाइड भी कर देते किससे 4 रूट 3 और प्लस टाइम्स 3 से, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे तो पाई अपॉन 24। अब तो अपने पास मजदूरी करवा रहा है और कुछ नहीं, आंसर यहाँ पर भी दे सकता था, या अगर अपने 16 या अगर अपने पास 4 चौका 16 या 48 48 और माइनस टाइम्स 9 के बराबर और होल अपने आ गया किस तरह 4 रूट 3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ है ना, 4 रूट 3 कहिए क्या 4 रूट 3 प्लस टाइम्स 3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में ही ये दे रखा है। खैर चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई अपॉन में आ गया अपने पास 24 के बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 18 में से 48 में से 9 जाएगा तो अपने पास 39 बच जाएगा और होल अपने अपने कैसे आ जाएंगे 4 रूट 3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। अब अपने कैसे क्या कीजिए कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये अगर अपने के पास बराबर तो 12 दूनी 26 13 थी 39 यानी अपने के पास 13 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 8 3 24 यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 13 पाई और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे 8 इंटू 4 रूट 3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा ठीक है, इसको बीच में कर दीजिए, यही हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए अपने पास कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। खैर आपने कहा डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद ऐसे भी क्लिक कर सकते थे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है, तो ये अपने कहा लिमिट एज अ सम का बढ़िया क्वेश्चन था, ये थे अपने कहा जेई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जब से हॉल में आए तो बना कराना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है, आपको लिमिट एज अ सम आनी चाहिए और कुछ नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।